A correction window has also been provided for the candidates who has completed their phase one. अगर अभी तक आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज वन नहीं भरा तो सबसे पहले जाके फेज वन भरो. अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज वन भर लिया है तो फेज वन के अंदर करेक्शन हो सकती है. क्या क्या करेक्शन हो सकती है उसको एक बार पढ़ते हैं. ये नंबर पॉइंट नंबर टू है, इसको एक बार पढ़ते हैं. अ करेक्शन विंडो हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर द कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फेज वन. अगर आपने फेज वन भर लिया है तब भी आपके पास अब स्कोप है, चांस है. करेक्शन विंडो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर करेक्शन विंडो बताओ, करेक्शन विंडो बताओ. तो करेक्शन विंडो में करना क्या है वो यहां पर बता दिया. आप कुछ कुछ डिटेल्स अपनी मॉडिफाई कर सकते हो. जैसे एक वन टाइम फैसिलिटी आपको दी हुई है. मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस हर एक सीयूईटी एस्पिरेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है ये. आपको अपनी कैटेगरी चेंज करने का अवसर दिया जा रहा है, आपको अपनी कैटेगरी मॉडिफाई करने का अवसर दिया जा रहा है. वन टाइम फैसिलिटी का मतलब ये दोबारा चांस आपको नहीं मिलेगा. आप अपनी प्रोफाइल ओनली वन टाइम, लिख लो ओनली वन टाइम आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो. ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी माइनॉरिटी पीडब्ल्यूबीडी हु विश टू रीअपलोड देयर अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स कैन डू सो इन द करेक्शन विंडो. थैंक यू सो मच दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें ऐसा अवसर प्रोवाइड करने के लिए. थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हमें करेक्शन विंडो आपने बच्चों के लिए खोल दी. हमारे लिए एक चांस भी बहुत के बराबर है. थैंक यू सो मच. दिल्ली यूनिवर्सिटी की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है. बहुत बड़ी अपडेट है जिसके अंदर आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट, आप ओबीसी एनसीएल से हो, EWS से हो, SC ST माइनॉरिटी से हो, PWBD कोटा से हो, अगर अभी तक आपके आउटडेटेड मतलब पुराने डॉक्यूमेंट्स अपलोड थे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड कर सकते हो. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक दिन का आपको मोहरत दिया है 17 जुलाई को. क्या ये बात सबको समझ आ रही है? कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड. अच्छा आप क्या क्या चेंज नहीं कर सकते? अपना नेम, अपनी फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर आप चेंज नहीं कर सकते, अपना जेंडर आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो CUET की एप्लीकेशन आईडी से उठाई गई है वो आप चेंज नहीं कर सकते, अपना मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपने पहले कैटेगरी भर दी थी अब चेंज नहीं कर सकते. मैं दोबारा बता रहा हूं, जो कैटेगरी भरी थी अगर उसमें ओल्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो अब आप दोबारा रीअपलोड करके न्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो. बट रही बात सर मैंने तो जनरल भरा था अब मुझे चेंज करना है, EWS करना है, क्या वो मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकते. क्या मैं कास्ट सर्टिफिकेट चेंज कर सकता हूं? नहीं कर सकते. ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कास्ट अपनी चेंज नहीं कर सकते, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फेज वन ऑफिशियली भर दिया है. जिन्होंने फेज वन भरा नहीं है घबराओ मत, अब आप भर सकते हो. ठीक है जी. तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक दिन नहीं दे रखा, 17, 18, 19, 20 तीन दिन दे दिए हैं, 20 जुलाई तक आप ये करेक्शन विंडो का लाभ उठा सकते हो. मैं बार बार एक चीज को पॉइंट आउट करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ये सिर्फ एक वन टाइम फैसिलिटी है. वन टाइम फैसिलिटी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको यह अपॉर्चुनिटी दी जा रही है. मान लो किसी ने एडिटिंग कर दी, किसी ने मॉडिफिकेशन कर दी अपने CSES पोर्टल के अंदर, आप दोबारा एडिटिंग नहीं कर सकते, आप दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते. तो प्लीज इस बात का हमेशा ध्यान रखना.